प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कि तन मन धन अर्प गुरु सेवे हो गलतान उपदेश ही लेवे, यानी जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपने समर्पण कर दिया। इसके बाद के जो समर्पण की बकवास कोई करता है वो निकम्मी आत्मा है, उसको कोई ज्ञान नहीं। तन मन धन अर्प गुरु सेवे हो गलतान उपदेश ही लेवे। गुरु से जब दीक्षा मांगे और तन मन धन धरे धन आगे, यानी सब कुछ समर्पण कर दे, निष्कपट भाव से लग जा, वो समर्पण होता है। ये बकवादियों ने पता नहीं कहाँ से बकवाद शुरू कर दी थी, समर्पण बोला आज समर्पण करो। अरे इतने दिन वैसे ही खो दियो, बुद्ध हो तुमने, आज क्या का समर्पण? समर्पण उस दिन होता जिस दिन नाम ले लिया तुमने। बुद्धि भ्रष्ट, पता नहीं कितने की बीमारी ठा जावे। तो नारद जी कहते हैं कि तन मन धन अर्प शीश चढ़ाओ, यानी चरणों में कर बंदन कर शीश नमावो, हाथ जोड़ कर नौकर शीश नमाओ और तन मन धन अर्प शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता, चरण गहो चिंतामणि के राता, ते प्राण अभय हो तेरा, कमल रूप देवी दिल की ना, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। कमल रूप है कति कोमल, कमल जैसा कोमल, पहले पत्नी वाला डिठोरा ना रहा उसमें, वो डांट मार देती थी, मूछ डाल लेती थी, बोलिया ना करती। कहते हैं कमल दिल देवी दिल की ना, कति कमल जैसा स्वच्छ जिस पर कोई मैल ना हो और विनम्र बहुत होगी तब ये वस्तु प्राप्त होती है गुरुदेव से। कमल रूप देवी दिल की ना, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी अपने मंदिर यानी महल में आए तो देवी चरण लिए सतरूपा, यानी कति हृदय से सच्चे ढंग से विनम्र होकर के उनके आगे चरण छुए। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंडमाला। चरण पकड़ के बाला यानी देवी जब छोटी उम्र की ही थी, शिव जी बहुत आयु के थे। शीश पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंडमाला। पार्वती जी कहती है कि आपने, रोती हुई कहती है कि मेरे सिरों की आपने या माला बना रखी रुंडमाला, यानी खपरों की माला, ये सिर के हाड बच जाने, ये सारा खोपड़ा जल जल जा, हड शेष रह जा, उसमें अगर धागा पोकर टांग रहे थे शिव जी याद के लिए। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जाने नी तुमरी सेवा। मेरे से आपने भक्ति को छुपा के रखा, मैं उस तरीके को नहीं समझ सकी जिससे आप मुझे ये भक्ति देते हैं। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज धामी, मैं अबला हूँ बाला भोरी, पार पार निभाओ हमरी डोली। मैं अबला हूँ बाला भोली, मैं अबला हूँ, बालक हूँ और भोली भाली हूँ, और मेरी इस नैया को आप पार करो मेरे प्रभु। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हम शिव गो रहो, मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोहि, जुगन जुगन पातक कटे हैं, छूटत है दिल द्रोही। अपनात्मा देखना, ये सूक्ष्म वेद है जो कति निर्णय करेगा। पार्वती जी कह रही है कि मूल मंत्र महबूब का ए भगवान सुनाओ मोहे, ईस माने स्वामी है मेरे स्वामी, ईस सुनाओ मोहे, यानी उस महबूब का, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र मुझे दो। क्योंकि भक्ति सभी ये सोचकर करते हैं कि जो भी कोई भी साधना करता है कि मैं अमर होने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पार्वती जी भी कह रही है कि मुझे उस महबूब का, महबूब का अर्थ क्या होता है, जो सबसे प्रिय वस्तु हो। महबूब का जैसे ही हम गलत अर्थ लगा लेते हैं तो जो इस महबूब शब्द को जो जहाँ पर लगाना चाहे वही लगा सकते हैं।
हमारा सबसे प्रिय परमात्मा ही है और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हम उसको महबूब, जिसकी चाह हमें हृदय से बने, जिसके गुणों से हम परिचित हों, जिसके ऊपर हम आसक्त हों, उसकी महिमा से हम परिचित हों, उसको महबूब कहते हैं, जो बहुत प्रिय वांछित वस्तु हो। मूल मंत्र महबूब का ईसनाओ मोहि, जुगन जुगन पातक कटे छूटत हैं दिल द्रोही। बोल रही बहुसागर हमी, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम्ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब भगवान शिव जी ने पार्वती का सिर पकड़ा, रो रही थी ना, ऊपर को उठा के खड़ी हो और न्यू बोली, न्यू बोला कि न्यू बता तुझे कौन ऐसा भगवान आत्मा मिल गया, कोई भगवान ना आया होगा जो तेरी बुद्धि ने फेर गया, न तेरे समझ मान की बात नहीं थी, भक्ति कर लूं। शीश पकड़ा सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। कि ये तेरे बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मुझे सच ही बता तेरे ते मिला कौन, कौन बताया गया बात। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आदि घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। के मुझे नारद मुनि जी मिले थे, उन्होंने आकर मुझे ये ज्ञान दिया। शिव समर्थ बोलत है जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोट कल्प प्रलय जुग बीती, ज्ञान ध्यान सब ही परचीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वानी। जब शिव कर से लाई ताली, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहाँ एक सुख्या तरवरता क्या, शिव को आसन तहा रख्या। वहां पर एक सूखा तरवर, सूखा वृक्ष देखा, ताक्या मैंने बड़े ध्यान से, नुकार के तक है भाई, तक है टेढ़ी नजर तेंगी, इसी जगह देखूं जो यो मंत्र सुना और कोई पक्षी मेरे पास ना हो। चोर नजर से देखते हैं, उसको ताकना कहते हैं। तहाँ एक सूखा तरवर ताक्या, शिव को आसन तहाँ रख्या। तहाँ एक गंध अंड तिसमाही, जिन सानत है समर्थ साई। वहां पर उसकी खोगर में एक गंदा अंडा पड़ा था, वो परमात्मा ही जान सके, शिव को उसका ज्ञान नहीं था। युग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर कूट ईशाना। आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सूदा कर बोरा। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुरकों बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। अपने आत्मा आप जी को ये वाणी इसलिए दास सुनाने लगा है अब कि आप जी को ये तो 100% विश्वास हो चुका है कि दास जो बताता वो सत्य है, और ये भी विश्वास हो चुका है यहाँ श्रोताओं को, लगभग 90% को, कि परमात्मा कबीर जी का जो ज्ञान है वो वेदों पुराणों और सदग्रंथों से मेल खाता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, एक बहुत गहरी बात आपके सामने आ रही है कि जो आपको ये 5 मंत्र दिए जाते हैं, आपको यहाँ जो प्रथम मंत्र में 7 मंत्र दिए जाते हैं, प्रथम और लास्ट के मंत्र का इन किसी को ज्ञान नहीं, ना ही ये दे सकते। बीच के ये 5 मंत्र हैं और वही 5 मंत्र शिव जी ने पार्वती जी को दिए थे, ये ऐसे अनमोल मंत्र हैं। और आज आप जी के ऊपर किसी रजा भगवान की, आप कितने पुण्यकर्मी हो, आपको ये यथार्थ मंत्र आपको प्रदान हो रहे हैं, जो जिससे पार्वती जी को अमरत्व प्राप्त हुआ, अमर होगी, जिसको अमर बोलते हैं। अमर कितनी होगी, जब तक शिव जी की मृत्यु नहीं होगी तब तक पार्वती उसके साथ रहेगी। इन 5 मंत्रों का जाप वो खुद भी कर रही है, आज भी कर रही है। अब उसके विषय में क्या बता रहे हैं, प्रथम आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखान। परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी प्रभु कबीर जी से प्राप्त सचिदान घन के अमर ज्ञान को, तत्व ज्ञान को कैसे सुना रहे हैं
के मूल कमल के अंदर गणेश जी का वास है, उसमें चार पंखड़ियां हैं और उसका लाल रंग है। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो, दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको, सट पंखड़ी प्रीत परेवा, तांबा सत कंदरप देवा, जावा हरा हरिदुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई, जा मैं ओ मंत्र कमालम, तावा सट पंखड़ी कमालम, जहाँ ब्रह्मा सावित्री साजे तावा सेट पंखड़ी साजे, के वहाँ पर छह पंखड़ी का एक कमल है, सावित्री और ब्रह्मा जी का जावास है, ओम उसका नाम है। जैसे आप जी को हमने पांच सात मंत्र दे रखे हैं, उसमें बीच बीच वाले मंत्र इसमें बताए गए हैं, यहाँ सबको मैं पढ़ के सुनाऊंगा नहीं। अब उसके बाद क्या होता है कि पार्वती जी को भगवान शंकर जी बताते जा रहे हैं कि मूल कमल में ऐसे देखो, ये मंत्र जाप करो, ऐसे बोल जोर जोर से, वह बोलने लगी, फिर दूसरे मंत्र का ये जाप है, ऐसे बोलो, फिर तीसरे में ऐसे बोलो, ये मंत्र है, नाभि कमल में ये मंत्र है, हृदय कमल में ये मंत्र है और कंठ कमल का ये मंत्र है। तो पार्वती जी, क्योंकि पिछले संस्कार जिसके होते हैं उनके कमल शीघ्र खुल जाते हैं, हमारे शरीर में प्रत्येक प्राणी के शरीर में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान सिख या ईसाई, मानो एक जैसा ही बनाया भगवान ने, ये तो हम धर्म आधार पर अलग अलग हो गए, तो हमारे कमल इस रीढ़ की हड्डी बैक बोन के अंदर ही साइड में, बैक बोन जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की तरफ ये जहाँ नीचे जाके समाप्त होती है और वहाँ से एक उंगल दो उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है, उसकी चार पंखड़ियां हैं, गणेश जी का वहाँ निवास है, यानी गणेश जी अपने लोक में रहता, जैसे चैनल होते हैं ना, चैनल टीवी चैनल, उनका प्रसारण स्थान तो कहीं और होता है, केंद्र होता है, और वहाँ से उस टीवी से जो प्रोग्राम चलता है वो प्रत्येक के टीवी में उस चैनल पर टीवी में देखा जा सकता है। ऐसे ये शरीर को टीवी समझो, इसमें ये चैनल हैं सात चैनल, तो इनमें पांच चैनलों के विशेष मंत्र दिए गए हैं। तो इस मूल कमल का जो चैनल है ये गणेश जी के विषय में, उसके लोक के बारे में सब प्रक्रिया बता देता है जब ये खुल जाता है। और ऐसे ही फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र बोलते हैं जिसको, उसमें सावित्री और ब्रह्मा का वासा है और उसकी छह पंखड़ी हैं, उसका मंत्र है जो हम आपको देते हैं। वो एक नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है, उसका आपको मंत्र दिया जाता है, उसके जाप से ये खुलता है। हृदय कमल में शिव और पार्वती का मंत्र दिया जाता है, वो और मंत्र है वो, जिसके जाप से खुल जाता है। ऐसे ही यहाँ कंठ कमल में दुर्गा का वास है, दुर्गा का भी आपको मंत्र दिया जाता है जिससे दुर्गा वाला कमल खुल जाता है। फिर हम यहाँ से बरी हो जाते हैं, फिर त्रिकुटी पर जाने योग्य हमारी कमाई बन जाती है। तो हम सबसे पहले आपको मंत्र दिया जाता है जो पार्वती को प्राप्त हुआ और वो कितनी अमर हुई, हमने इसका प्रतिफल नहीं लेना इस मंत्र का, हमने इसका ऋण उतारना है इनका, जो क्योंकि मूल कमलों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश इनके स्वामी हैं। और प्रत्येक प्राणी ने जिसने अपने सतलोक चलना है, स्वघर जाना है या स्वर्ग जाना है, जहाँ की साधना करता, सबसे पहले उसको इन कमलों के अंदर से गुजर कर जाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं ये अनजान संतों के शिष्य और अनजान संत कहते हैं, रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक ही स्थान है, ये भूल है उनकी, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने इन कमलों को खोल कर ही जाना है, और दूसरा रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं जो ऊँचा भी नहीं जो इन कमलों को खोल सके। उसके बाद फिर आपको सतनाम दिया जाएगा, सतनाम में एक तो ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र गुप्त है, जो फिर ओम मंत्र तो सहस्रार कमल तक आपका साथ, त्रिकुटी पर साथ देगा, सहस्रार कमल तक इसकी पहुंच है। उसके बाद जो तत् मंत्र गुप्त है ये दास देगा, वो मंत्र फिर आपको पार ब्रह्म के लोक से पार करेगा। तो हम यहाँ से जब चलेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो हमारे ऊपर कर्जा है वो इनको इस मंत्र के जाप की कमाई छोड़ देंगे, ये हमें बरी कर देंगे। जैसे आप किसी विदेश में गए हो और वहाँ कोई फैक्ट्री लगा ली छोटी मोटी, आप क्या धंधा ठीक चला कोई ना, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, और भी असुविधाएँ होगी। तो
वो आपकी कंपनी फेल होगी, बंद होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति सरकार को मिल जाए, वो गारंटर बन जाए और फिर उनके सभी कनेक्शन चालू करवा देता है और उसको फिर ऐड दे देता है कि आप कमाई करके इनके बिल भरना शुरू करो, तो फिर वो फैक्ट्री फिर चालू हो जाती है, वो धनी हो जाता है। तो ऐसे आप युगों युगों से अपनी पुरानी कमाई खाकर निर्धन हो चुके हो, सब पर आपत्तियाँ आने लगी हैं और अब आपको वो मंत्र दिए जाएंगे जिनसे आप इनकी कमाई करके, ये पूजा नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये तो मजदूरी है, हमारा कर्तव्य है। हमने बैंक से लोन ले रखा है, उसका बैंक का लोन भर देंगे, वो प्रसन्न होंगे और खुश हो जाएंगे, आपको लोन से बरी कर देंगे। ऐसे ही बिजली वालों के हम बिल भरते रहेंगे, खुश होकर वो बिजली देते रहेंगे और हमें जो पुराना बिल है वो भी पूरा भर देंगे, कर्जा उतर जाएगा तो वो हमें सब सुविधाएँ देंगे। ऐसे ये हमने साधना करनी है। तो क्या हुआ, पार्वती जी का, क्योंकि पिछले पुण्य कर्म जिसके ज़्यादा होते हैं उनको शीघ्र इन कमलों का आभास हो जाता है और पुण्यात्माओं हमने इन कमलों को में झांकना भी नहीं है, गलती से कोई खुल भी जाते इसमें देखना भी नहीं। आप ये हम क्यों फंसे रहे यहाँ पर, आप देखते हो कि पहले ये ऋषि लोग कई कई हजार वर्षों तक या कई कई घंटों तक बैठे रहते हैं, साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। वो कैसे बैठते हैं, ये मन तो इतना आरामी है, 10 मिनट भी ना बैठने दे इस प्राणी ने, किरा कि ठा ले जा। कैसे बैठते हैं कि जैसे हम फिल्म देखने जाते थे, उसमें ऐसी बकवादे होती थी कि 3 घंटे का बेरा भी ना पट्टा कितनी देर में गए। इनको ज्ञान तो है नहीं, किसी ऋषि को आपको बता दिया, कई बार पढ़ के भी सुना दिया देवी भागवत में। तो ये क्या करते हैं, हठ योग करते हैं। जैसे काल ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था तप करो तप करो, जब वो कमल के फूल पर बैठा था तो उसने परमात्मा की आकाशवाणी मान के वो हठ योग शुरू करवा दिया सबके अंदर। तो क्या करते हैं ये पुण्य कर्मी प्राणी तो होते हैं जो भक्ति की ट्राई करते हैं, तो उन ऋषियों की महर्षियों की देवताओं का कोई कमल खुल जाता है और उस कमल में उनकी सुरती आत्मा प्रवेश कर जाती है। यानी एक टीवी चैनल ऑन कर लिया और उसमें गाने बजाने नाचना गाना गंदे डांस कुछ पहाड़ दिखे, यानी ये आत्मा उस लोक में, एक लोक बहुत लंबा चौड़ा होता, गणेश का लोक भी काफ़ी बड़ा है, द्वीप बहुत बड़ा है, विष्णु जी का लोक भी बहुत लंबा चौड़ा, उसमें जगह जगह कितने स्वर्ग में नाच गाने हो रहे हैं, कि तो अप्सराएं नहा रही हैं, कि तो और बकवादे सुन रहे हैं, कि तो कोई इंद्र की सवारी आ रही है, तो देखो स्वर्ग गिर के चमत्कार वहाँ पर, बड़े बड़े आतिशबाजियाँ हो रही हैं ऑटोमेटिकली। तो वो बैठने वाला वो नालायक उस किसी कमल में घुस जाता है, उस लोक में पहुँच जाता है, वहाँ देखता है फिर वो सिनेमा फिल्म, क्योंकि वहाँ जो बकवादे हैं इस पृथ्वी पर कोना, तो यो मन फिर उसकी आदत बन जाती है, वापस आ भी जाता है, कुछ देर नहा धो कर देख जाकर फिर बैठ जाता है और फिर देखता है। तो वो उसका जो लंबा समय उस मेडिटेशन में, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, उससे क्या होता है, उसको तप बन जाता है, वो जाप भूल जाता है। वो जाप करने से वो कमल खुल गया, वो चाबी थी खुल गया, खुलने से उसकी अपनी पिछली पुण्य कमाई से वह सुरत उड़ गया आकाश में और उस लोक में देख लिया। तो उस बैठे रहने से उसका तप बन गया और तप से कुछ तो सिद्धियाँ आ जाती हैं और फिर तप से राज्य प्राप्त होता है। तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकर्ष्मानम, और जो उस कमल का उस देव का उसने मंत्र जाप किया, उस मंत्र के नाम के जाप से उसको कुछ समय उसके लोक में एक बने हुए रेस्टोरेंट होटल में स्वर्ग में बकवाद करने का और समय मिल जाए। तो आप जी से यही प्रार्थना करते हैं कि पहले तो हम आपको ऐसे ढंग से मंत्र देते हैं कि आपके कमल खुल अवश्य जाएंगे लेकिन आपकी सुरती उसमें प्रवेश ना करेगी, उसमें प्रवेश करेगी तो मार खा जाओ, क्योंकि आप तो अभी बालक हो, छोटी छोटी बात तक इधर झटके पटके दिख जा उड़े आसक्त हो जाते हो, और इसमें ऐसा कबाड़ भरे अंदर। तो कहने का बात क्या है कि पार्वती जी कमल में प्रवेश करेगी और वह पहले तक रहती हाँ जी हाँ जी, उस एक कमल में फंस गई वह और वह सुरती उसकी आत्मा तो पहुँच गई करा कित की कित, और उधर से इस अमर मंत्रों के सुनने से ये भी कुछ अमरत्व हमें देते, बहुत लाभ देते। तो वो गंदा अंडा जो पड़ा था वृक्ष की उस खोगड़ में सुराख में बिल में,
उसके ऊपर इन मंत्रों का असर हो गया शिवजी के मुख से बोलने से, पुणात्मा पूर्ण संत यानी कुछ अधिकारी के बोलने से, उन वचनों का, क्योंकि महिमा साथ सुनाई जाती है भगवान की, परमात्मा की, इस देवताओं की, वो कथाएं सुनाई जाती हैं और वो कथाएं किसी अधिकारी के द्वारा सुनाई जाती हैं तो असर होता है। अब जैसे ये अमर वाणी आपको सुनाई जा रही है, आप पर तो असर हो ही रहा है, आपके शरीर पर भी, आपकी आत्मा इससे बहुत लाभ उठा रही है, इस अमर वाणी से भी बहुत आपको सहारा मिल रहा है, इस दास के द्वारा बोली जाने से। इन कथाओं ने और दुनिया कहती रहो कोई नहीं असर होगा, ज्ञान थोड़ा बहुत समझ में अवश्य आ जाएगा, ये और एक चार्ज होता है। और इस वाणी का जहाँ तक भी असर होता है, चींटी पे भी, हाथी पे भी, कोई भी जीव जंतु हैं, मच्छर मक्खी, इनके ऊपर भी असर होगा। और इसके बार बार सुनने से इनको भी शरीर छूट जाने पर परमात्मा दया कर सकते हैं, तुरंत मानव शरीर भी मिल सकता है, नहीं तो इनके गुड अकाउंट में, इनकी आत्मा के अंदर इस वाणी का असर हो रहा है। तो इस प्रकार पुणात्माओं जैसे एक विचार करने की बात है, अनाधिकारी और अधिकारी का विचार देते हैं। एक बार राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित ने एक भिंडी ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा परीक्षित कौन था? वो पांडवों का पोता था और अभिमन्यु का पुत्र था। तो वो जंगल में गया हुआ था, रास्ता भूल गया, एक ऋषि समाधि लाए बैठा था, उसने उससे पूछा कि भाई महात्मा जी मैं रास्ता भूल गया, मुझे मेरे नगर का राह बता दे। वो बोला नहीं, वो साधना कर रहा था। तो उसने गुस्सा उठा कि ये कितना अंडी पा गया, एक राजा की बात को नहीं मानता, राजा में अहंकार बहुत होता है। उसने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था वो उस गले में डाल दिया। उस ऋषि के लड़के को जब पता चला कि तेरे पिता के गले में और राजा परीक्षित ने सांप डाल दिया मरा हुआ, मजाक कर गया तेरी, इंसल्ट कर गया तेरे पिता की, तो उसने श्राप दे दिया कि तुझे सातवें दिन यू तक्षक नाग डसेगा। तक्षक सर्पों में सबसे जहरीला और सबका सरदार, सबसे ताकतवर है। तो पुण्यात्माओं फिर इस बात का जब पता चला, राजा परीक्षित चिंतित हुआ, सब ऋषि इकट्ठे हुए, धार्मिक गुरु बुलाए गए के विकल्प हो, तो सभी ने ये बताया गया कि इसको सात दिन श्री मद सुधा सागर जी का भागवत कथा बोलते हैं, उसको भागवत कथा जिसमें श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में जानकर, कहते इस भागवत कथा को इसको सात दिन सुनाया जाए ताकि इसका हृदय यहाँ से हट जाए और ये स्वर्ग में सुरती लग जाए। इस कथा सात दिन सुनाओ इसको। अपने आत्माओं सातवें दिन रिजल्ट आना था, परिणाम मिलना था, कथावाचक के द्वारा दिए सुनाए गए ज्ञान से क्या प्रभाव होगा। सभी ने पीछे कदम कर लिए। व्यास जी राइटर ऑफ द श्रीमद् भागवत, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत सुधा सागर है एक, और व्यास जी उनके राइटर हैं चारों वेदों के, पवित्र गीता जी के, पवित्र पुराणों के और पवित्र चारों वेदों के और पवित्र ये सुधा सागर श्रीमद् भागवत सुधा सागर के। लेकिन व्यास जी ने भी स्वीकार नहीं किया कि मैं इनकी वृत्ति हटा सकूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। सभी ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए। तो पुण्यात्माओं ये सुखदेव जो उत्पन्न होगा, ईब ये कथा सुना रहे हैं, जो अंडे से बनेगा, ये आगे चल के राजा जनक के संपर्क में आया, फिर इसने सत साधनाएं की, ये स्वर्ग पहुंच गया। इसके ये वो योग्य माना गया कि ये योग्य है कथा सुनाने के। तो सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से विमान में बैठा के भेजा गया राजा परीक्षित के पुनों के आधार से, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में भी किराया लग गया, पुनक्षीण होते हैं। तो इन पांडवों ने राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में आया और सात दिन स्वर्ग से आकर उसने कथा सुनाई। तब राजा परीक्षित को सर्प ने तो डसा ही डसा, मृत्यु तो हुई वो टल नहीं सकी, लेकिन इतना अवश्य हो गया कि उस कथा के सुनने से उसके कुछ पुण्य बन गए और उसकी वृत्ति यहाँ से हटकर स्वर्ग में भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के चरणों में लगी। शरीर तो मृत्यु तो होगी लेकिन स्वर्ग जाने योग्य हो गया। अब कहने का भाव ये है कि उस समय कैसे महापुरुष ऋषि थे, ब्राह्मण थे कई हजार,
किसी की हिम्मत नहीं बनी मैं कथा सुना दूं या पाठ कर दूं। अरे कलयुग में किसी ने देख ले काक में पोथी, आजा मैं पाठ करूं, आजा मैं पाठ करूं। सारे बकवाद कर रहे हैं, किसी कोई अधिकारी नहीं है, सब ने बठा बठा दिया पाठ कर अपने यजमानों का अर्थात भक्तों का। तो कहने का भाव यह है कि उस भगवान शिव जी द्वारा सुनाए गए उस कथा से, क्योंकि मंत्रों के साथ साथ उनकी कथाएं भी सुनाई, इसमें काफ़ी विवरण दे रखा है, इतना समय नहीं जो मैं आपको यह कथा आज सुना सकूं। तो पार्वती जी का तो ध्यान लाए, वो बढ़ गई किसी सुरंग में, एक कमल में भरम भटक रही थी और उधर से वो गंदे अंडा स्वस्थ हो गया उस वचन से। पुण्यात्माओं आप जी यहाँ आते हो, सत्संग सुनते हो, ये परमात्मा की अमर वाणी आपके ऊपर बोली जाती है, इससे भी आपके बहुत पाप अक्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, बहुत से रोग भी इस वाणी से भी आपके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने युगों युगों से इस आत्मा को गंदे कर्मांत सान रखा है, ये कति सड़ा रखी है। जैसे मिस्त्री का कपड़ा होता है ना, देखा अपना कोई मिस्त्री होते हैं मोटरसाइकिल वाले या कार कूरों के इंजन ट्रैक्टर वाले, उनके इसे कपड़े हो जा रहे हैं, उससे घात पूछे जा कर और कति कपड़े का रंग भी पिछाड़ में नहीं आता। तो अब उसने धोने लग गए उस कपड़े ने, कितने देर में वो यानी 20 बार साबुन डाले जब तेन दिखेगा कपड़ा है कोई चाम है। तो हमने इतना खराब कर रखा है ये अपना अंतःकरण युगों युगों से। तो अब ये शुरुआत है इसके ऊपर के मैल को तारण की, तो इसमें हर तरह के रगड़े लाने पड़ेंगे, साबुन भी पानी भी इन पटक पटक कभी मारना पड़े और फिर ड्राई क्लीन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका अंतःकरण साफ होगा। तो ऐसे अब सुखदेव ऋषि जो हुआ उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि वो प्राणी पहले तो असंग जन्म धक्के खाए, ब्रह्मवाटी हुई, कभी अंधा गधा बनया और वहाँ ब्रह्मवाटी हुई, कहते हैं कोई पिछला संस्कार उसका आ गया, पार्वती जी की वहाँ कथा सुनानी हुई अमर कथा शिव जी द्वारा और वो गंदे अंडे के चिपका बैठा था। और वो क्योंकि उसका अपना मान रहा था उठे वो सड़े जाता, उसकी राख बन के अब सूख के कितना उड़ जाता, दूसरी बात है वो तब बेसिक वहाँ से प्राणी हट जाता, अंडा फूट गया और तोता बन गया, उसके पर भी जम गई, उसके पंख भी जम आ गई और वो लग गया कर्ण हूँ। अब शिव जी ने देखा कि भी पार्वती तो ध्यान मगन होगी, ये तो नहीं बोल सकती, चुप है, आवाज़ कहाँ से आई। तो उसने देखा ऊपर क्रोध से एकदम वो अंडा वो बच्चा उड़कर भाग लिया। अब उड़कर भाग लिया तो पीछे पीछे शंकर भगवान के इसने मारूंगा, आज तो ये तोता है कल नहीं कि मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर सकता है और इसमें सिद्धियाँ आ चुकी हैं, इसमें काफ़ी अमरत्व प्राप्त हो गया है पैरेलल और ये औरों ने दुखी करेगा, इसको ख़त्म कर देता हूँ। भगवान शिव जी भी सिद्धि से उड़ लिया और उधर व्यास जी की पत्नी वेद व्यास की पत्नी ने जमाही ली और ये तोते ने क्या किया, तोते का शरीर छोड़ कर ये प्राणी सूक्ष्म शरीर से व्यास जी की पत्नी के पेट में पहुंच गया। अब भगवान शिव जी वहां आए, कहने लगे सुन हे व्यास की नारी, तेरे पेट में तेरे गर्भ में मेरा एक ज्ञान का चोर है, इसको बाहर निकाल और मैं इसको मारूंगा। तो व्यास की पत्नी व्यास भी वहीं आ गया, कहने लगे भगवान क्या बात होगी कि ऐसे ऐसे एक प्राणी ने मेरा अमर ज्ञान सुन लिया और उसका शरीर अमर हो गया सूक्ष्म शरीर, और उसको मैं नष्ट करूंगा, खत्म करूंगा, मारूंगा, उसको बाहर निकालूंगा। अब व्यास जी कहने लगे भोलेनाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो अमर हो गया, अमर ने मारेगा क्यों करे। अब बोला नाथ बोला भाई ठीक है, वापस आ गए भगवान शिव जी। तो अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, उसके बाद 12 वर्ष तक वो सुखदेव माँ के गर्भ में रहा, बाहर नहीं आया। उसको पता लग गया कि बाहर आते ही ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया का एक एक इंजेक्शन सबको लग जाता है और ये सब भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसा दुष्प्रभाव है इन तीनों गुणों का ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, ये सब मोहित कर दिए जाते हैं, मूर्छित कर दिए जाते हैं। अब जो प्रसंग हमारा चल रहा है हम उसी पर आते हैं।
वो तो अलग से प्रसंग फिर शुरू हो जाता है, सुखदेव की उत्पत्ति। तो कहने का भाव ये है कि पार्वती जी को जहाँ पर भगवान शिव जी ने ये मंत्र दिया था, वो इतना इम्पोर्टेंट मंत्र और उस स्थान की इतनी गजब वैल्यू है कि यहाँ पर पार्वती ने कहा कि मेरा इस स्थान पर कल्याण हुआ। तो पार्वती जी ने भी उस स्थान को वहाँ से एक विशेष आदरणीय माना और फिर उसके बाद श्रद्धालुओं ने वहाँ एक यादगार बना दी, वो अमरनाथ कहलाता है, जहाँ पर पार्वती जी को मंत्र दिया भगवान शिव जी ने, दैट प्लेस नोन एज अमरनाथ, उस स्थान को अमरनाथ कहते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया, बड़ा दुनिया देखने जा सके। तो पुण्यात्माओं, जैसे उस अमरनाथ चारों धामों में से एक है, उस अमरनाथ पर जाने से जीव का कल्याण क्या हो सकता है? कभी नहीं, लाख करोड़ जन्म नहीं। क्योंकि जिस मंत्र से पार्वती जी का कल्याण हुआ, उस मंत्र की प्राप्ति अधिकारी द्वारा किसी स्थान पर भी दिया जाए, वो उसके लिए अमरनाथ है, वो स्थान उसके लिए अमरनाथ है। अपुण्यात्माओं, जैसे हम पहले शहर शहर में जाकर के सत्संग किया करते थे और वहाँ पर अस्थाई ईंटों की भट्टी बना लिया करते थे, वहाँ पर हलवा बनाते थे, जिस दिन भोग पड़ता था भगवान की, साथ साथ हम अखंड पाठ भी करते थे और चार दिन पाँच दिन का सत्संग भी करते थे, तो वहाँ खाना भी बनाते थे, भोग भी बनाते थे, लास्ट वाले दिन खीर भी बनाते थे, और फिर वहाँ से अपना पाड़ का टेंट हम दूसरे शहर में चले जाते थे, वहाँ पर वो भट्टी रह जाती थी, वो भट्टी जो ईंटों के चूल्हे बनाए थे वो पड़े रह जाते। और कोई व्यक्ति ये कहे किसी अपने साथी को कि आजा तुझे वो स्थान दिखा के लाऊं जहाँ रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, वहाँ ले जाओ उसने दिखाने के लिए, देख यहाँ टेंट लगे थे और ये देख चूल्हे बन रहे, ये भट्टी, ये ईंट, यहाँ पर सब्जी बनाई थी, यहाँ पर खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाया था। अपुण्यात्मा, वहाँ केवल भट्टी है, ना हलवा मिला उन्हें, ना खीर मिला वहाँ जाने वालों को, और ना वो नाम मिला, वो तो वो स्थान वहीं आना पड़ेगा जहाँ ये सत्संग हो रहा हो और जहाँ वो भट्टी तैयार हो, वहाँ खीर भी मिल रहा है, हलवा भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रहा है और साथ में ये नाम मिले, अर्थात वो जो स्थान हम वहाँ से आगे उन भट्टियों को देखने से ना हलवा मिले, ना खीर मिले, ना नाम मिले। ऐसे ही ये जो अमर धाम तुम कहते हो, ये धाम तो इसी वो भट्टी है, वहाँ तो सिर्फ नो देख कर आ सकते हो, यहाँ पार्वती जी को मंत्र मिला था, बस आप जी का वहाँ पर उससे कोई लिंक नहीं, कोई आपको कोई लाभ नहीं, पाप ही पाप भाग में लिखे जाएंगे, क्योंकि जितने प्राणी आप वहाँ जाने में मारोगे वो बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे, पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो जैसे प्रसंग चल रहा था कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। अब इस तरह परमात्मा हमें बता करते थे कि ये साधनाएं जो तुम करते हो ये व्यर्थ है, ये ठीक नहीं है। पुण्यात्माओं, अब आपने अमरनाथ की कथा सुनी और पार्वती जी कितनी अमर हुई हैं, जब तक भगवान शिव जी रहेंगे तब तक पार्वती इनके साथ है, फिर इन दोनों की मृत्यु होगी। अब ये बात खटक जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान हैं, ये नाशवान हैं, लेकिन हमारे को इनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी कि ये अविनाशी हैं, अजर अमर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, ये देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, तीसरा सकंद पृष्ठ 123 पर, ये यहीं पर देखिएगा,
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है। ओहो, आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव मीन मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा के बारे में कहा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। गीता जी के 14वें अध्याय में आपको जब दास प्रकृति यानी इस दुर्गा से और काल ब्रह्म से रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति दिखाएगा, तब आपको ये प्रकृति शब्द काम आएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। देखिएगा, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। और अब देखो, इस एक प्रमाण से कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है। नंबर दो, दुर्गा इनकी माता है। नंबर तीन के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और नंबर चार कि ये केवल नियमित काम आपके संस्कार में जो कुछ है उतना ही दे सकते हैं, उसे ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते। और थोड़ा सा आपको प्रमाण दिखाते हैं इसी देवी भागवत में तीसरे ही स्कंद में। इस दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश जब ये बेहोश कर रखे थे, इन तीनों ये युवा हो जन्म होते ही इनको बेहोश कर दिया था। कोमा में इनकी परवरिश की जाती है ताकि इनको पता ना लगे तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा पिता कौन है। इनको धोखे में रखता है ये काल इनका पिता। और दुर्गा को स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि तू सच नहीं बतावेगी, नहीं तेरी साथ से तुझे मैं बहुत तंग कर दूंगा। या काल के डर से इनको सच्चाई नहीं बताती, ये भी उसी का सहयोग देती है। तो क्या होता है कि दुर्गा जब ये सचेत होते हैं, तीनों में से अभूतनी की तरह प्रवेश कर जाती है, तीनों में से निकल जाती है, तो ये तीनों सचेत हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं। इन तीनों को इकट्ठा कर देती है, फिर विमान में बैठाती है। विमान में बैठाकर इनको आकाश में उड़ा देती है। तो आकाश में उड़ते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ इन्होंने एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिवजी और देखा। तो ये चक्कर में पड़ जाते हैं, ये और ब्रह्मा और विष्णु और शिवजी ये कौन है? अब देखिएगा, ये देखिएगा वही श्री देवी भागवत तीसरा स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। जन्मे जय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं और कैसे और कब उत्पन्न हुई, कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित है, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होती है, ऐसे ऐसे। ब्रह्मण साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि देवभू ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है वह जैसा जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी से पूछ रहे, जन्मेय जी यानी उस परीक्षित के पुत्र व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है, अभी तुमने जो पूछा है कि देखियो ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है।
उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, सुनो, आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया? दिवज्वर, साथ यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना, यानी व्यास जी कह रहे हैं कि मन ने नारद से पूछा था, करने वाला कोई एक है अथवा इस बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा रहता करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पर पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है, तीनों गुण रहते हैं और उनसे वे निर्मल निर्लिप्त रहते हैं, वे संसार रूपी सागर में कि से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, तो वे सृष्टि स्थिति और संहार के अधिकार में। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं, वे शांत स्वरूप हैं सभी और उनका मुख है। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, यह फिर दोबारा प्रमाण है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, ब्रह्म ये काल है और काल की ये पत्नी है, अभेद संबंध माने वो अर्धांगनी है, उसकी पत्नी है। ब्रह्म के साथ उसका अभेद संबंध है, वे सृष्टि स्थिति और सहार कार्य में संलग्न रहती हैं, संपूर्ण प्राणियों और देवताओं की भी जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी सांभवी ब्राह्मी वासवी वारुणी वाराही नारसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। अब 115 पर आगे हम 100 कहाँ से शुरू किया था हमने, 113 से शुरू किया था, ये 112 है, यहाँ से हमने 113 से शुरू किया था, अब हम 115 पढ़ रहे हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन निराकार निर्लेप निर्गुण अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं, वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों आँखों कानों हाथों मुखों चरणों में के वे संपन्न हैं, से वे आकाश विष्णु का चरण है, फलाना फलाना। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अब नारद जी कहते हैं व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करना। अब नारद जी ने बेरा है कि जब ये बीच चल जाते हैं ना ब्रह्मा विष्णु में, ये गपोड़ पेल लेंगे, या कहता सच्ची बताइए, झूठ न बोलियो, सच्ची बात बताने की कृपा करना। किन देवता की पूजा करनी चाहिए, यानी किस देवता की, तथा कौन देवता सबसे बड़ा एवं समर्थ है? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रसन्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा,
मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। इस तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। अपने गले से टाड़ा है कि विष्णु पर पूछ लिए। महामते फिर भी बताता है, महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदुत हो, यानी सृष्टि रचना का किसी ने ज्ञान हो, कहते कोई नहीं है। जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, शथावर जंगम जितने प्राणी में से कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष और पर्वत कुछ भी दिखाई नहीं दिए, कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पर मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में सहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, उस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो, यूरो काट दिया काल ने, क्योंकि तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूँ अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटभ नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए, वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। उनसे डरकर ब्रह्मा जी नीचे उतर गए। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले, नीचे उतर गया, कमल के डंठल पकड़ कर जल में उतरा। वह उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, ये विष्णु जी पा गया, वो बेहोश पड़े थे। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी, शंख चक्र गदा और पद्म इन 4 आयुधों से वे शस्त्रों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष स्याही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे, उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई, मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई, दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे और उन्हें मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य बने। पुण्यात्माओं, अब क्या था कि पहले तो ब्रह्मा जी बेहोश पड़े थे, उसको कमल के फूल पर लाकर सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि अपने आप को मैंने कमल के फूल पर बैठा पाया, मैं नहीं सोच सका कि मेरा कौन जन्मदाता है, मैंने किसने मुझे यहाँ पैदा कर दिया, तो मैं इस चक्कर में पड़ गया। पहले तो पृथ्वी ढूंढने लग गया, पृथ्वी की तरह पाई नहीं, फिर आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, तो मैंने डरते न कमल पर बैठ कर 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो, तो मैंने सोचा सृष्टि क्या की करूँ। वैसे तो ब्रह्मा जी नीचे उतरा नहीं था, इस काल ने मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस भेज दिए कि तुम्हें मारेंगे, वो डरता नीचे उतर गया। नीचे उतरा था अगर विष्णु भगवान पाए, विष्णु भगवान बेहोश कर रखे दुर्गा ने, क्योंकि अब भूतनी की तरह प्रवेश हो जाती है अन्य रूप बना के। एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि है जो बहुत से रूप बना सकती है, तो वह सिद्धि दुर्गा के पास है। अन्य रूप में वह भूतनी की तरह विष्णु जी में प्रवेश थी, और जब वह भूतनी की निकल गई उसके बाद दुर्गा, तो विष्णु जी होश में आ गए, ना तो बेहोश पड़े थे, और वो आकाश में दिखाई देने लगी। तो उसके बाद क्या होता है कि ये मधु और कैटभ भगवान विष्णु ने मार दिए 5000 वर्ष लड़के, और वो भी देवी एक सुंदर रूप में उनके सामने आई
और वो उसकी तरफ बकवाद नजर से देखने लगे। जब विष्णु मार पाए वैसे तो ये मार भी नहीं पाए, पर ये ध्यान से आगे देखिए, श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान श्री विष्णु के शरीर से अलग होकर, यानी वह भूतनी निकल गई, दुर्गा की भूतनी की तरह प्रवेशति निकल गई, तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे। फिर उन्होंने 5,000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की मधुर कैटव के साथ। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से, यानी देवी दुर्गा ने उनके सामने आई और उनकी तरफ अभद्र इशारे किए, तो वो मोहित होकर गंदी नज़र से दुर्गा की तरफ देखने लगे। तब पीछे तो विष्णु जी मार पाए ना, तो वो उनको दो राक्षसों को विष्णु मार भी नहीं पा रहा था, यानी ये समर्थ भी नहीं है विष्णु जी, और ये देख लेना। 5,000 वर्षों तक उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5,000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। मरने का कारण भी तुरंत लिखा कि पहले देवी के कटाक्ष से, उसके अभद्र तरीकों से, यानी आकर्षित तरीकों की से देखने से दुर्गा की तरफ ये मधु कैटव देखने लगे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। इसके बाद विष्णु ने गोद में लटाकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गई। ये शिवजी भी भेज दिया जो होश में लाके, ये भी ऐसे ये क्या करते हैं, दुर्गा और काल प्रत्येक ब्रह्मांड के सुन शिखर में, टॉप मोस्ट प्लेस पर इन्होंने 3 स्थान बना रखे। एक स्थान को रजोगुण प्रधान कर रखा है, दूसरे को तमोगुण प्रधान, तीसरे को सतोगुण प्रधान। जैसे एक मकान में और 3 कमरे हों, एक में तो अश्लील चित्र लगे हों, अभद्र चित्र लगे हों, वहाँ जाते ही मनुष्य के मन का जो प्रभाव है, उसके विचार उतने ही मलिन हो जाते हैं। जब तक वो उन चित्रों में ध्यान रखता है, उसके अंदर ऐसे उठपटांग विचार आते रहते हैं, उसका स्वभाव ऐसा ही बन जाता है, उसी गुण से युक्त हो जाता है। और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महात्माओं के, वहाँ जाते ही मन एकदम दूसरी स्वभाव बन जाता है मन का, वहाँ दूसरे विचार, अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरे कक्ष में इन सूरवीर योद्धाओं के, शहीदों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, तो वहाँ जाकर के शरीर का मन की ऐसी वृत्ति हो जाती है, ऐसे उनके विचारों में उसी प्रकार खून खोल जाता है और बड़े मतलब मजबूत सा दिल बन जाता है, तो वैसा स्वभाव बन जाता, प्रभाव बन जाता। तो ऐसे इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान, बहुत सुंदर दूर दूर। तो ये दोनों दुर्गा और ये काल ब्रह्म जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, तो वहाँ रहते हुए जैसा उनका स्वभाव रहेगा वैसा ही बच्चे का स्वभाव बनेगा, तो रजोगुण युक्त बन जाता, उसका नाम ब्रह्मा रख देती। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।